अवैध के बारे में? देखिए, जोड़ी प्यारी तभी लगती है कि जब लोग उस जगह आदमी एक दूसरे के लिए सोचें और एक दूसरे के साथ साथ अपने मार्केट के लिए सोचें, अपने भाषा के लिए सोचें। जब आपके मन में विचारधारा नहीं होगी एक दूसरे के प्रति, तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के प्रति का विचारधारा बाहर लेके जा पाऊंगी। तो सोच बहुत हद तक मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, इसकी हो, या किसी भी अदर पर्सन, किसी भी इंसान की। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे साथ को एक तरफ काम करे, उसको ये कभी ना लगे कि हाँ स्टार के साथ काम करिए, किसी बड़ा नाम है। नहीं भाई, हम सबको बड़ा करना है अपने नाम को, और हम जिस भाषा से हैं हम उस भाषा के को बड़ा करें और उस भाषा से लड़े, तब जाके हम चीज़ों को बड़ा कर पाएंगे। तो हमारे लिए भाषा प्राथमिकता देनी होनी चाहिए, या नहीं कि तुम कोई गलत इंसान की नहीं यार, ये बहुत बड़ा स्टार है, आपको काम आता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको काम नहीं आता है तो आपको कोई स्टार बना नहीं सकता। इस धरती पर जितनी भी महिला हमारी कलाकार अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, हो सकता है छोटा सा मुख सकता होगा, बट कहीं ना कहीं वो लड़कियाँ बेहतर काम करती हैं, तब जाके उनका इतना बड़ा नाम होगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग बेहतर काम करिए, आज नहीं तो कल आप तराशे जाओगे, और आज नहीं तो कल दुनिया की नज़र में आप आओगे। तो बेहतर काम से ही। अब एज में जैसा लग रहा है कि दो सीक्वल है, जैसे वेब सीरीज थोड़ा पार्ट वन पार्ट टू स्टार्टिंग हो चुकी है उसी तरीके से, तो इस फिल्मों में डबल ग्राफ वाला सिचुएशन कैसे, मतलब आपने कैसे सोचा कि एक फिल्म का पहला पार्ट वन और पार्ट टू एक साथ होगा, लेकिन ये कैसे हो गया? फिल्म में जो होता नहीं, एक फिल्म का अलग होता है, दूसरा शेड्यूल का अलग होता है, लेकिन ये दोनों एक ही तरह वेब सीरीज की तरह। हाँ, वैसा ही समझिए इसको कि पार्ट वन पार्ट टू इसलिए बन गई है कि पता नहीं जिस लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो सारी व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी जी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमें बहुत नेचुरल लोकेशन मिल रहे हैं, नेचुरल घर मिल रहे हैं, नेचुरल लोग मिल रहे हैं। अब जिस लोगों के साथ हम शूट कर रहे हैं, पता नहीं वो 6 महीने बाद भाई किसका क्या होगा, तो पता नहीं कोरोना काल आया और कितने लोगों को लेकर निकल गया, तो इसलिए समय का कोई ठीक नहीं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर सिनेमा करें, और जिनके साथ भी कर रहे हैं उनके साथ हम एक तो हम लोग ये हमारा फोटोग्राफर है, हम लोग तो गए कि निकल गया ही, तबीयत इसका बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो लेकिन हम लोग दुआ करें भगवान से कि इतना जल्दी नहीं, 1-2 साल बाद देख लीजिए तबीयतें ख़राब करिए इसका, इसको इतना जल्दी लेके मत जाइए, तो ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सामने है वो हमारा है, और हमेशा हर दिन जीता हूँ मैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हर दिन जीने की कोशिश करता हूँ, और हर दिन मेरे लिए सवेरा होता है, और हर दिन जगता हूँ, जब जब जगे तभी सवेरा। एक प्रश्न भी सवाल पूछूं भैया, कल आप पटना में मैं नहीं था, आप 2 बार गए और यार अप एंड डाउन, 9 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह 7 बजे सोनभद्र कैसे पहुँच गए, एनर्जी कहाँ से लाए? ये मैं लिटरली मैं राम भाई 7 बजे नहीं पहुंचा, मैं 5 बजे पहुंचा भाई। कैसे पहुंच गए इतना जल्दी? 4:45 मतलब वहां से 7 घंटे तो लगते ही गाड़ी में। कैसे मैं निकला वहां से, मैं 9 बजे का कार्यक्रम था, 11:30 बजे निकला। एक्चुअली मेरा जो ड्राइवर साहब सारथी जो है हमारे इंदर सर, तो वो हमको सेंड करते हैं, उसके बाद लैंड कर जाते हैं, वो हमको बैठाते नहीं, मैं गाड़ी पे बैठता नहीं हूँ, उस पर मारती और लिखे कुछ अपन मारे, इधर इधर सेंड किए, उधर लैंड हो गया, तो ये लैंडिंग कराते हैं। आप समझिए कि हम 3 बजे पहुँचे, 11 बजे वहाँ, 11:30 बजे मैं कहीं 12 के आसपास के लिए पटना से मौर्या से, हम 3 बजे तो बनारस में थे, 3 बजे बनारस थे, और 3 बजे हम बनारस से चले, और 4:20 पर हम यहाँ। तो आप तो आए होंगे रास्ते, तो पता ही होगा आपको ये कितनी दूरियाँ हैं, कितनी क्या चीज़ है। तो पटना से यहाँ आने में एक्चुअली वो टेकअप करने में जितना टाइम लगे, वो लैंडिंग में इतना टाइम नहीं है, आप जगे रहते हैं तभी होता है। और मैं अगर सो गया तो मैं लैंड भी नहीं हो पाऊँगा, डायरेक्ट अंतरिक्ष पे जाऊँगा। प्रॉब्लम ये है हमारी ड्राइवर साहब की, ये जब गाड़ी चलाएं तो हम माँ का सवारी औकात नहीं है, हम सो जाए। इंदर शाह नाम है इनका, 13 साल, इनको फॉलो करिए, इनकी लैंडिंग की और उनकी सैलरी की किस्सा सुनिए। दूसरी बात ये है कि भाई ये बात 13 साल से मेरे साथ है, और ये मेरे लिए ड्राइवर नहीं है, मेरे लिए थोड़े भाई की तरह है, प्यार बहुत करता हूँ इसको, इसलिए इसकी गलतियाँ भी मुझे बहुत छोटी नज़र आती है। मैम आप क्या कहेंगे इसके साथ बैठ कर बैठ कर
अच्छा है ऑब्वियसली, अच्छी बात है, अच्छा लगता है ऑब्वियसली, किसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा खाना खाए सब अच्छा, अच्छी अच्छी हो रही है सब अच्छे हो रहे हैं जितनी भी अभी तक की, और इवन ये भी फिल्म कर रही हूँ मैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है तो हाँ अच्छा लगता है। I can